एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी पकोड़े। ये फटाफट से बन जाती है, बस 10 मिनट में बिना कोई तामझाम के। ये बहुत ही इजी है बनाना और देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे कोई भी हरी चटनी, टमाटो केचप या फिर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सुबह या फिर शाम के नाश्ते के लिए इसे बना सकते हैं, बच्चे लोग को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मूंग दाल को 4 घंटे पानी में भिगो करके छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको 2-3 पानी से वॉश करके छलनी से छान लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे छलनी से छान दिया है। अब इनको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। मूंग दाल को हम 2 बेच में पीसेंगे। तो यहाँ पर इसे हम बिना पानी के ही दरदरा पीसेंगे। अगर आपकी दाल नहीं पीस रही है तो आप इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि आसानी से पीस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 बेच के मूंग दाल को पीस लिया है। अब इनको हम एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी के जो बचे हुए मूंग दाल को इसी तरह से हम छलनी से छान करके ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में। और देख सकते हैं कि दूसरे बैच में हमने इसे 2 चम्मच बचा लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। दूसरे बैच के दाल को भी हमने पीस लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे कि 1 स्पून की हेल्प से 4-5 मिनट तक हाथों से इस तरह से फेंट लेंगे। हल्के हाथों से इनको हम इसी तरह से प्रेस करते हुए और अच्छे से फेंट लेंगे। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे और दाल हल्की हो जाएंगी तब इसमें हम कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छे से दाल को फेंट लिया है और देख सकते हैं कि ये दाल है वो अच्छे से फ्लफी हो गए हैं। अब इसमें हम जो हमने मूंग के दाल बचाए थे ना 2 चम्मच साबुत, वो हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। साथ ही साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। मसालों मैंने लिया है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी हमने हींग पाउडर लिया है। अगर कोई भी हम दाल बना रहे हैं या फिर कोई दाल की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें आप हींग पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा, इससे हाजमा बहुत ही अच्छा रहता है पेट का। तो यहाँ पर हमने हींग पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज किया है। नमक हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर का यूज किया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पर 1/2 नींबू का रस का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 हरी मिर्च और 1 बड़े से प्याज को हमने चॉप करके ऐड किया है। साथ ही साथ 1 कटोरी भर के हम हरा धनिया के पत्ती को ऐड करेंगे। 1 चम्मच क्रश किया हुआ हमने अदरक ऐड किया है। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीजों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दाल में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए उसके लिए हम इसमें 1/2 कप डालेंगे चावल का आटा। इससे पकौड़े तो क्रिस्पी बनेंगे ही, साथ साथ जो पकौड़े के साइज है वो अच्छे से इससे बन पाएंगे, क्योंकि दाल थोड़ी सी गीली लग रही थी मुझे और चावल के आटा डालते ही देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो बढ़िया आया है। तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें ऐड किया है कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा ज्यादा ही लगेगा क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। ऑयल परफेक्ट गर्म होने देंगे। तो फ्री हीट हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें से हम 1 बड़ा चम्मच तेल को बैटर में डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को हमने अच्छे से बैटर में मिक्स कर लिया है, इससे जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और कढ़ाई में हम अच्छे से पकौड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर बैटर को हमने थोड़े थोड़े लेकर के हाथों में और इनका हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू कर दिया है। 1 बेच के अच्छे से पकोड़े इसमें आ जाएंगे उतना ही हम इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 बेच के पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हम मीडियम गैस पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी इन्हें हम टच नहीं करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन के नहीं हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट लगे थे, देख सकते हैं कि पकोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इनको हम छलनी से निकाल लेंगे और बाकी के जो बैच के पकोड़े हैं इसी तरह से हम इनको बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे पकोड़े को बना करके तैयार कर लिया है। मैंने इसे हरी चटनी, टमाटो केचप और फिर घुगनी के साथ में सर्व किया है। चने की घुगनी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बारिश के मौसम हो या फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो आप इस तरह से पकोड़े बना करके अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए। शाम के समय चाय के साथ ये बहुत ही मजेदार लगते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
with.